कलर रिकॉग्नाइज. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज विल गेट टू नो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें यही जानना है कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं, और साथ में उसके एंड में इस बात को भी जानेंगे कि बेसिकली इंडिया कौन से मेथड्स को यूज करता है अपनी जीडीपी कैलकुलेशन के लिए. राइट, तो जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स को जानने से पहले एक छोटी सी चीज है जो हमें जानना बहुत जरूरी है. सी, व्हाट डू वी मीन बाय जीडीपी? जीडीपी का मतलब है एक कंट्री एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है अपनी नेशनल अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री में रह करके, उसे जीडीपी कहा जाता है. इसके अलावा जीडीपी के ऊपर एक डिटेल लेक्चर मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ, आप उस वीडियो को आई आइकन को प्रेस करके देख सकते हैं. ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूँ. तो एक कंट्री एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है उसी की वैल्यू को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द वेरियस वेज टू कैलकुलेट जीडीपी? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक टॉपिक समझना पड़ेगा. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा. ठीक है, वो टॉपिक हमारे पास है, उसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है फ्रेंड्स, जीडीपी कैलकुलेशन के कौन से मेथड्स हैं, उन मेथड्स को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है. ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए दो अजम्पशंस हैं हमारे पास. ठीक है, पहले मैं अजम्पशन समझाता हूँ, उसके बाद में बात करूंगा आपसे पूरे सर्कुलर फ्लो की. पहली अजम्पशन, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? अगर मुझे कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मुझे कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ नेसेसरी चीजें होंगी जो मुझे चाहिए. तो वो चीजें जो मुझे किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो मेजर फैक्टर्स नाम के चलते हैं, दे आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. राइट, हम थ्रू आउट द वर्ल्ड ये फैक्टर्स हैं जो मान के चलते हैं चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेजरली कंसिडर किए जाते हैं. तो हम क्या कह रहे हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय हाउसहोल्ड्स. जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कौन ओन करता है, उनको ओन करते हैं हाउसहोल्ड. फ्रेंड्स, हाउसहोल्ड्स क्या होते हैं, लाइक आप अपने घर पे बैठे थे वीडियो देख रहे हो, आप एक हाउसहोल्ड हो. राइट, बट मैं अभी अपने आप को हाउसहोल्ड नहीं कह सकता क्योंकि मैं आपके लिए सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा हूँ. राइट, बाय अपलोडिंग दीज वीडियोज ऑन यूट्यूब व्हाट आई एम बेसिकली डूइंग, आई एम प्रोड्यूसिंग, आई एम जनरेटिंग सर्विसेज. तो जो लोग कंजम्पशन करते हैं वो हाउसहोल्ड कहलाते हैं. जो किसी भी गुड या किसी की सर्विसेज में एंगेज होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर का पार्ट मानते हैं. तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, वो ओन करता है हाउसहोल्ड. ये इतनी भी रियलिस्टिक अजम्पशन नहीं है, बट कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक भी नहीं है. पहले मैं बताता हूँ रियलिस्टिक क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं, रियल वर्ल्ड सिनेरियो को लेके मैं बात करूं, तो रियल वर्ल्ड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स के पास भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर के पास भी हो सकते हैं. आप खुद सोच के देखो, मशीनरी है जिसे हमें कैपिटल का, कैपिटल मतलब अमाउंट भी होता है, कैपिटल मतलब मशीनरी भी होता है. ठीक है, तो मशीनरी है, कौन सी बड़ी बड़ी मशीनरी कोई हाउस होल्ड अपने पास रखेगा? कोई हाउस होल्ड अपने पास बुलडोजर क्यों रखेगा? कोई हाउस होल्ड अपने पास से अर्थ की जो ड्रिलिंग मशीन होती है वो रखेगा? ठीक है, कोई हाउस होल्ड अपने पास क्यों एक ट्रैक्टर रखेगा? ठीक है, तो ये कुछ मशीन्स हैं जो कि ऑलरेडी फर्म के पास ही होती है, हाउस होल्ड नहीं रखता. ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये पूरी तरह से रियलिस्टिक अजम्पशन भी नहीं है, लेकिन ये कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि
इवेंचुअली एट द एंड अगर मैं बात करूं तो एट द एंड जो प्रोड्यूसर है वो बन तो कंज्यूमर ही जाते हैं, लाइक आपके फादर है सपोज इतनी ही इज अ बिल्डर, वो एक बिल्डर है, उनके पास काफी मशीन्स होंगी जो कि उनको कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती होंगी, ऑफ कोर्स होंगी उनके पास। एट द एंड रात को शाम को जब एट द एंड आते तो वो घर पे ही है और वो क्या बन जाते हैं, हाउस होल्ड बन जाते हैं उस टाइम पे वो। तो इसलिए एक रियलिस्टिक और कंप्लीटली अनरियलिस्टिक भी नहीं कि आपको लगे कि एकदम ऐसी अजीब बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चीजें हैं। तो पहली चीज। दूसरी अजम्पशन जो हमारे पास है वो ये है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो सारा के सारे गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस करता है, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है फर्म, ठीक है। अगेन रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक दोनों चीजें हैं। रियलिस्टिक अजम्पशन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम रियल वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो रियल वर्ल्ड में बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो एक हाउस होल्ड खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर आपके लिए कुकिंग कर रही है, ठीक है, आपकी मदर आपके लिए कपड़े भी धो रही है, ठीक है, उनको आयरन भी कर देती है, ठीक है, प्लस किचन गार्डनिंग भी करते हैं काफी टाइम लोग। जो लोगों के खुद के पेरेंट्स टीचर हैं वो उनको बच्चों को घर पे ही पढ़ा देते हैं। तो बहुत से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो एक जो हाउस होल्ड होता है वो अपने आप ही प्रोड्यूस कर लेता है। तो इसलिए ये बात भी पूरी तरह से रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन अगर हम उन दोनों अजम्पशन को नहीं लेंगे तो we will not be able to understand our circular flow model. Circular flow model को समझने के लिए ये दो assumption आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ circular flow of income के ऊपर बिल्कुल detailed में एक video मैं upload कर चुका हूँ, ठीक है, even introduction, क्योंकि आपको इस topic को समझने के लिए काफी हद तक introduction of national income clear होना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों वीडियो और जितनी भी वीडियोस इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए जितनी भी सप्लीमेंट्री वीडियोस हैं उन सब के लिंक मैं डाल दूंगा, आप जरूर देखना ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक ये कहता है कि जो इनकम जनरेट होती है वो इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन के सेक्टर से, मतलब जब मैं कोई गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करूंगा तभी तो इनकम आएगी। आप अभी घर बैठे हो, आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड और एनी सर्विसेज, दैट इज व्हाई यू आर नॉट अर्निंग एनी मनी। मान लो आप में से कोई जो यूपीएससी स्टूडेंट हो या आप में से कोई एक स्टूडेंट है जो कि अपने ग्रेजुएशन में या कोई भी पर्टिकुलर कोर्स में आप हो, आपने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट द थिंग इज दैट नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग सम सर्विसेज, अब आप कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो। अब आप क्योंकि कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। मतलब इनकम को अर्न करने का सोर्स ही क्या होता है, इनकम को अर्न करने का सोर्स ही है कि जब मैं कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस करूं। तो हम यहां पे लिखते हैं कि ये रहा हमारा प्रोड्यूसर, ठीक है, या इसे हम क्या देते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस को प्रोडक्शन, ठीक है, यहां प्रोडक्शन होगी, ठीक है। What do we mean by production? Production मतलब हो गया conversion of raw material into finished goods to earn profit. मैं raw material को finished goods में convert करता हूँ profit कमाने के लिए, इसी चीज को मैं क्या कहता हूँ production कहता हूँ, right? ये आप सबको पता है। अब यहीं से हमें पता चल जाएगा जीडीपी कैलकुलेशन के पहले मेथड के बारे में। फ्रेंड्स इन दो चीजों पे आपको ध्यान देना, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझो ये, सी मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं मार्केट में गया, मैं पहले एक जगह से कैप लेके आया, फिर एक जगह से रिफिल लेके आया, फिर एक जगह से टिप लेके आया और एक जगह से बॉटल लेके आया। हो सकता है कि मुझे एक ही जगह पर मिल जाए, ठीक है, हो सकता है अलग अलग जगह मिले। मैं ये रॉ मटेरियल, आप अगर मार्केट में जाओगे मार्कर खरीदने किसी स्टेशनरी शॉप पे, क्या आप ऐसी कंडीशन में मार्कर परचेज करना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स नॉट, आपको मुझे फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब मुझे फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो
तो मैं एक प्रोड्यूसर था, मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग जगह से मटेरियल्स को अरेंज किया, प्लास्टिक सब कुछ अरेंज किया। इसके बाद इनको मैंने क्या किया, अपने मशीन की मदद से, अपने लेबर की मदद से इन सबको असेंबल किया, और इनको असेंबल करने के बाद मैंने एक कंप्लीट फिनिश्ड गुड बना दिया, विच इज अ मार्कर, ये मार्कर है, राइट। ऐसे आप कंप्यूटर के लिए, कार के लिए, अलग अलग चीजों के लिए देखते हो, अलग अलग जगह से मशीन लाई जाती हैं, अलग अलग जगह से मटेरियल लाए जाते हैं, सबको एक साथ लाने के बाद, असेंबल होने के बाद उनको एक फिनिश गुड बना जाता है। मतलब एक प्रोड्यूसर का काम क्या है, मटीरियल अरेंज करना, उसके बाद अपनी मशीन, अपने लेबर से क्या करना, उसकी वैल्यू में ऐड करना, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक में एक प्रोड्यूसर क्या करता है, एक प्रोड्यूसर बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रोडक्शन एक्टिविटी एक्ट्स वैल्यू टू रॉ मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहीं पे ध्यान देनी है, एक प्रोड्यूसर किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक कन्वर्ट करने में क्या करता है, वो अपने वर्च्यू ऑफ हिज प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब क्या है, अपने फैक्टर्स को यूज करके, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, इन सबको यूज करके, अपने दिमाग को यूज करके क्या करता है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, मतलब वो उस रॉ मटेरियल की वैल्यू को ऐड करता है, ठीक है। क्योंकि आप वैसे मार्कर नहीं लोगे, आपको कंप्लीट चाहिए, तो मैं मटेरियल लेके आया, उसमें वैल्यू ऐड करी, एंड दैट इज व्हाई जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, इसी वजह से जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहला मेथड कौन सा पढ़ते हो, वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहला मेथड फ्रेंड्स हमारे पास जो जीडीपी कैलकुलेशन का है वो क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। क्योंकि पहले प्रोडक्शन होगी तभी कहानी आगे बनेगी, कंजम्पशन भी मैं तभी कर पाऊंगा जब खाने के लिए कुछ होगा, है ना। वैसे तो एक साइकिल, कौन सी चीज पहले कौन सी चीज बाद में, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड, इसी को बुक्स में प्रोडक्ट मेथड और इसी को बुक्स में आउटपुट मेथड भी लिखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है वो कौन सा हो गया, वो हो गया वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि वो यहां से शुरू होता है जहां से मटेरियल बनना शुरू हुआ, ठीक है। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई। आगे जब मैं कोई चीज प्रोडक्शन करता हूं, तो अभी हमने समझा प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मुझे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। तो जब मैं अपने फैक्टर्स की मदद से प्रोडक्शन करूंगा, ठीक है, तो यहां से मुझे इनकम तो आना शुरू होगी, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इजंट इट। आपके फादर मेरे एग्जांपल लेके बिल्डर है, एग्जांपल लो, उन्होंने वो बिल्डिंग पूरी बनवा दी, ठीक है, क्या वो लेबर को वेजेस नहीं देंगे, देनी पड़ेगी, अगर नहीं दी तो अगली बार काम नहीं करेगा वो। तो मतलब अगर आपको प्रोडक्शन करवानी है तो यू नीड टू मेक सम पेमेंट्स, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको लैंड के लिए रेंट देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स अगर वो रेंटेड है तो, साथ में लेबर को आपको वेजेस, अपने स्टाफ को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, किसी से पैसा उधार लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और क्योंकि आप खुद भी एक फैक्टर हो, हमेशा इस बात को याद रखना, बिजनेसमैन अपने आप को भी एक फैक्टर मानता है, कौन सा, एंटरप्रेन्योर, तो वो भी तो काम कर रहा है तो उसको भी तो अपना हिस्सा चाहिए, विच इज प्रॉफिट। तो मतलब जब तुमने प्रोडक्शन करी तो तुम उस प्रोडक्शन के टाइम पे क्या करते हो, तुम उस प्रोडक्शन के टाइम पे जितने भी फैक्टर्स ने तुम्हें हेल्प की होती है उन सब को तुम क्या करते हो, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म में पैसा अर्न कर लेते हैं, मतलब कुछ लोगों को वेजेस मिल जाती है, कुछ को रेंट मिल जाता है, कुछ को इंटरेस्ट मिल जाता है, कुछ को प्रॉफिट मिल जाता है, एंड यहीं से हमारे पास क्या ओरिजिनेट होता है फ्रेंड्स, यहीं से हमारे पास आ जाता है इनकम मेथड, राइट। यहीं से हमारे पास क्या आ गया, यहीं से हमारे पास आ गया इनकम मेथड। क्यों, क्योंकि तुमने प्रोडक्शन के बाद सबको उनका हिस्सा दिया, सबको उनकी इनकम दी, तो कंट्री में जितनी तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है जितने यूनिट्स के वो प्रोडक्शन करेगा,
आप उतने ही यूनिट्स की क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। तो इसलिए यहाँ से आपने एडिशन की बात कर ली, जितना लोगों ने एडिशन में हेल्प किया उतनी आपने उनको इनकम दे दी। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, यहाँ से आ गया आपके पास इनकम मेथड। ठीक है, अभी तक की कहानी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम एकदम आइसोलेटेड और आइडियल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि जितना प्रोडक्शन होगा जी उतना ही इनकम दूंगा। ठीक है, देखो रियलिस्टिक पिक्चर ऑब्वियसली बात है थोड़ी डिफरेंस होती है, क्योंकि रियलिस्टिक पिक्चर में डेटा एग्जैक्टली वही मिल पाना पॉसिबल नहीं होता। समटाइम कुछ डेटा मिलता है, कुछ डेटा नहीं मिलता है। आप जानते हो कि बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है, कितने लोग अपनी इनकम बताते हैं, कितने लोग इनकम नहीं बताते, कितने लोग वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन कम शो करते हैं। तो डिस्क्रिपेंसीज का एक अलग से कॉलम बनाया जाता है, वो हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अब आ जाता है इसी चीज का थर्ड। यहां से तुमने एडिशन कर दिया, क्योंकि तुमने एडिशन किया तो तुमने उनको उनका हिस्सा दे दिया। ठीक है, तुमने का मतलब यहाँ पे समझना, तुमने का मतलब यहाँ पे एक बिजनेस है ना, क्योंकि एक फर्म बिजनेस है। क्योंकि आप अगर आप अपने आप को भी एक फैक्टर मान रहे हो तो आप अपना भी प्रॉफिट लोगे, भाई कि मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए, मैं बिना प्रॉफिट के काम नहीं करूंगा। ठीक है, अब आ गया इनके पास पैसा। अब यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाता है डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, डिस्पोजिशन फेज का मतलब क्या है, डिस्पोजिशन फेज का मतलब ये है कि इन सबके पास जब पैसा आएगा भाई, अल्टीमेटली जब हाउस होल्ड के पास पैसा आता है तो हम क्या करते हैं उस पैसे का, हम क्यों पैसा कमाना चाहते हैं, वी नीड टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना होता है। ठीक है, और हम अपनी जरूरतों को पूरा कैसे करते हैं, बाय परचेजिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। किसी को आईफोन पसंद है, किसी को सैमसंग पसंद है, किसी को ओप्पो पसंद है, किसी को वीवो पसंद है, किसी को वन प्लस पसंद है। ठीक है, कोई किसी डॉक्टर से जाना चाहता है, कोई किसी डॉक्टर के पास जाना चाहता है, कोई किसी टीचर से पढ़ना चाहता है, कोई किसी टीचर से पढ़ना चाहता है, किसी को किसी और कंपनी की गाड़ी पसंद है, किसी को होंडा पसंद है, किसी को हुंडई पसंद है। मतलब जैसे ही हाउस होल्ड के पास पैसा आता है उसको अपनी वॉन्ट्स को पूरा करना होता है बाय परचेजिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, परचेज करता है, और उनको परचेज करने के बाद अपनी वॉन्ट्स को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो मतलब इन ऑर्डर टू परचेज, अगर तुम्हें परचेज करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इजंट इट। अगर आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे फ्रेंड्स बात करूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो आप सोचो कितनी इनकम, मतलब कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हो, आप उतना ही तो एक्सपेंडिचर करोगे ना जितनी आपकी इनकम आएगी। मतलब आपकी जितनी इनकम होगी अगर मैं सारे मामले खर्च कर दी तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। ठीक है, अब एक बात सोच के देखो फ्रेंड्स, आप खर्चा किस पे करोगे, आप उन्हीं गुड्स पे तो खर्चा करोगे जिनकी वैल्यू को ऐड किया गया था। मटेरियल तो खरीदोगे नहीं, गुड्स खरीदोगे, तो मतलब जितने गुड्स बने थे तुमने उनके ऊपर खर्चा किया, फिर यहां से दोबारा वैल्यू एडिशन होगा, फिर वैल्यू एडिशन होगा तो फिर इनकम जनरेट होगी, फिर वो इनकम जनरेट होगी तो फिर एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में कहा था जीडीपी का मतलब एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज तुम प्रोड्यूस करते हो। तो यहां से जीडीपी आया, यहां से भी जीडीपी आया, और यहां से भी क्या आ गया, जीडीपी। सो दैट इज व्हाई वी हैव थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी ऑफ अ। हां जी, तो अब आपने देख लिया कि हमारे पास नेशनल इनकम अकाउंटिंग मींस जीडीपी अकाउंटिंग के तीन मेथड्स आ गए, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर, इनकम। एक मिनट, मैंने अभी बोला नेशनल इनकम। अब हमें फ्रेंड्स यही समझना है, अगले पार्ट में हम यही समझेंगे कि जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्लस जीडीपी, नेशनल इनकम, जीएनपी, एनडीपी, जो कि डोमेस्टिक इनकम भी होती है, हम ये समझेंगे कि डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है, नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है, विच इज बेसिकली एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, साथ में इंडिया की नेशनल इनकम की क्या हिस्ट्री रही है, मतलब इंडिया ने सबसे पहले नेशनल इनकम को कब काउंट किया, टाइम टू टाइम क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं इंडिया की जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और इन डिटेल समझेंगे कि ये तीनों मेथड्स किस तरीके से हमें जीडीपी को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। सो होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट part of this video.
Thank you.